आइए मैम, अंदर आइए, नेक्स्ट स्टॉप की बारी है। सर आप यहीं वेट कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। सर क्यों, ये तो मेरी वाइफ है ना, तो मैं तो जा सकता हूँ। सर आई नो दैट, बट हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो आप बाहर ही वेट कीजिए। मैम सर आप बैठिए। वैसे कौन सा मंथ चल रहा है? सर सेकंड में। ओह सेकंड, आप एक काम कीजिए वहां जाकर बैठ जाइए। ये लो मैम दवाई पी लो। पर मैं जहाँ पिछली बार चेकअप करवाने गई थी उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी थी। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा मेथड अलग है, मैं नहीं चाहता बाद में मेरे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो और ना ही कोई पेन। मैं नहीं पीऊंगी ये दवाई। डॉक्टर तुम हो या मैं, पी लो चुपचाप से। गुड, वाओ वेरी गुड, तुम रिलैक्स करो ना। आप कैसा फील कर रहे हो? चक्कर से? कोई बात नहीं, स्वीट ड्रीम बेबी। दरवाजा खोलिए। सर मेरी वाइफ अंदर है, जल्दी दरवाजा खोलिए ना। हेलो हेलो मनीष डॉक्टर साहब, सर फॉर्मर शर्ट की गार्डन परेशान कर रहा है, संभाल जरा इसको। आप परेशान मत हो, अभी देखता हूँ। हाँ चल ठीक है। ओए क्यों परेशान कर रहा है डॉक्टर को, चल यहाँ से। भाई साहब देखिए मेरी वाइफ अंदर है, और वो पिछले आधे घंटे से अंदर है, और 15-20 मिनट से ज्यादा उसका चेकअप कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा अब तू बताएगा डॉक्टर साहब को चेकअप में कितना टाइम लगा, कितना नहीं। चुपचाप वहां जाके बैठ जा। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं, जा रहा है पुलिस को बुलाऊं? बताओ जगह हूं मैं, खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। भाई तेरी बात समझ। डॉक्टर सर अब आगे पुलिस आ चुकी है। पुलिस? कहाँ जा रहा है? मैं बुझा तेरी प्यास, जेल में। तू है कौन? और मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर ईशा, बहुत कंप्लेन आ रही है तेरी। आज मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया।